आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चौरी चौरा तहसील सभागार में आयोजित हुआ जिला स्तरीय तहसील संपूर्ण समाधान दिवस। डीएम और एसएसपी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। शिकायत मिलने पर एसएसपी ने एक कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर, दो होमगार्डों का किया तबादला। जलगल स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों के खड़ा करने को लेकर नगर निगम ने लखनऊ के एक फर्म से किया अनुबंध। नो पार्किंग में खड़े वाहनों से जुर्माना भी वसूलेगी कंपनी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक। स्कूलों के निरीक्षण के प्रगति की समीक्षा। कहा खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के लिए वातावरण करें तैयार। छात्रों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दे परिषदीय विद्यालय। एडीएम सिटी ने तीन अभियुक्तों को किया जिला बदर। सत्यप्रकाश पांडे को कुशीनगर तथा नातिन एवं अशफाक अहमद को देवरिया के लिए किया गया जिला बदर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पुनरीक्षण के तहत 21 नवंबर को सभी बूथों पर चलेगा विशेष अभियान। फॉर्म 6 भरकर कोई भी व्यक्ति बन सकता है वोटर। नए मतदाताओं का स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचेगा वोटर आईडी कार्ड। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में सदर तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण तहसील समाधान दिवस। कहा अधिकतर मामले आए भूमि विवाद से संबंधित। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर निस्तारण के दिए गए हैं निर्देश। भाजपा में शामिल होने के बाद प्रथम जनपद आगमन पर विधान परिषद सदस्य सीपी चंद का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का करूंगा निर्वहन। 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में दोबारा बनेगी भाजपा की सरकार। नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कर वसूली की समीक्षा बैठक। बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 210 केंद्रों पर कुल 20,243 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,514 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,629 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, गर्भवती महिलाएं अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कचहरी क्लब टाउन हॉल के मैदान में आयोजित 15 दिवसीय मंडलीय खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी में ग्राहकों की उमड़ रही है भीड़। विभिन्न प्रदेश के दुकानदारों ने लगाई है अपने वस्तुओं के स्टॉल, हो रही है बिक्री।